दोस्तों आप सभी को नमस्कार। बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए लगातार इवोकाईएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। इसी कड़ी में आज हम फिजिक्स की अपनी सिक्स्थ क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, हीट एंड टेम्परेचर आज का हमारा टॉपिक होगा। इस टॉपिक से जुड़े हुए हर सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, एक होलिस्टिक चर्चा होगी इस टॉपिक पर, क्योंकि लगातार क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर आपसे पूछता आता है। तो बदलते एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की डिमांड को समझते हुए ही हम इस टॉपिक के सभी सेगमेंट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी, जिसके अलग अलग प्लेलिस्ट अलग अलग विषयों की बनी हुई है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो अपनी क्लास को ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हीट एंड टेम्परेचर पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्या उष्मा होती है और इसके क्या मात्रक हैं। फिर हम अपनी क्लास को उन सेगमेंट पर लेके जाएंगे जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगर टेम्परेचर को सरल भाषा में कहें तो कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी शीतल है यानी ठंडी है, इसकी माप को जो हम ताप कहते हैं। तो आप इसका दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, कोई वस्तु कितनी गर्म है तो आप कहते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई वस्तु जितनी ठंडी होती है आप कहते हैं उसका टेम्परेचर कम है। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसके माप को जो है हम ताप यानी टेम्परेचर कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, इसे आप याद रखें। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री केल्विन या डिग्री रूमर पैमाना। क्योंकि टेम्परेचर को बेसिकली इन चार तापमान पर नापते हैं, लेकिन जो इसका एसआई यूनिट होती है वह केल्विन होती है। इस तरीके से कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं और हमारे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिए। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। अब हीट क्या होता है, हीट यानी उष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। तो उष्मा क्या होती है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर का मतलब एक वस्तु गर्म होगी एक वस्तु क्या होगी ठंडी होगी, और जो उष्मा होती है हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर ट्रांसफर होती है। जब उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है तो उस समय की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली आपकी उष्मा कहलाती है। उष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जो है वो ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित होती है, इसे भी याद रखें। आप देखते होंगे, आप एक लोहे की रॉड लीजिए और उसका एक हिस्सा गर्म कीजिए तो आप पाएंगे कि इसका दूसरा हिस्सा भी क्या होगा, अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक ताप जो है वो कम ताप की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए पूरी रॉड जो होगी लोहे की गर्म हो जाती है। तो यही जो ट्रांसफर होता है उष्मा का, ताप का, यही बेसिकली आपकी हीट कहलाती है। हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है जिसे कार्य में भी बदला जा सकता है, इसे भी याद रखें। उष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वह जूल होती है और इसकी सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरी। तो आप इन्हें याद रखें, डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, खासकर यूनिट से संबंधित। तो हमने टेम्परेचर की यूनिट देखी थी केल्विन होती है एसआई यूनिट, और हीट की जो एसआई यूनिट होगी वह जूल होगी, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरी। अब हम देखेंगे टेम्परेचर के जो डिफरेंट डिफरेंट पैमाने हैं इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट में भी मापते हैं, डिग्री रूमर पैमाना और डिग्री केल्विन, ये चार जो है मुख्य पैमाने होते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इसे आप जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डिग्री सेल्सियस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डिग्री फॉरेनहाइट में और डिग्री केल्विन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर का जो तापमान होता है, सामान्य ताप होता है, वो होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन पूछ ले तो आप तभी उसका जवाब सही दे पाएंगे जब आपको ये संबंध पता होगा। जब ये संबंध आपको याद होगा तो क्वेश्चन चाहे डिग्री फॉरेनहाइट में पूछे या डिग्री सेल्सियस में पूछे या अन्य तापमान में पूछे तो आप उसको आसानी से निकालकर उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो तापमान के बीच जो संबंध होता है बेसिकली C/5, C मतलब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से है, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9, F यहाँ पर है डिग्री फॉरेनहाइट, R से मतलब है रूमर पैमाना और K से मतलब है केल्विन। तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5। यानी अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस में यूनिट दी गई है तो आप उसे आसानी से इसे फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो यूनिट दी होगी उसे लिखेंगे, बटे 5 करेंगे, बराबर डिग्री फॉरेन हाइट इक्वल टू -32/9 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से डिग्री फॉरेन हाइट की यूनिट निकाल पाएंगे। तो ये संबंध आप जरूर याद रखें, एग्जामिनर आपसे लगातार यहां से क्वेश्चन पूछता है। आपके एग्जाम में परम शून्य ताप के बारे में पूछा जाता है, तो परम शून्य ताप क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, यानी टेम्परेचर किसी वस्तु का कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन निम्नतम ताप की सीमा अवश्य होती है और किसी वस्तु का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से
कम नहीं हो सकता है, इसे कहते हैं परम शून्यताप। तो परम जब किसी शब्द के पहले लग जाता है, इसका मतलब होता है वह उस चीज की लिमिटेशन बताना चाहता है, जो कि टेम्परेचर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। टेम्परेचर किसी वस्तु का कितना भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक निम्नतम सीमा अवश्य है। और निम्नतम सीमा कितनी है, इस यूनिट को आप जरूर याद रखें, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई वस्तु इस डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती है, वही होगा परम शून्यताप। अब हम देखेंगे विभिन्न पैमाने पर कुछ तापमान जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ तापमान हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फॉरेनहाइट में, डिग्री केल्विन में लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जल का जो जमना होता है कितने डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो जम जाता है। कमरे का तापमान सामान्य तापमान कितना होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है कि कमरे का सामान्य ताप क्या होता है, तो आप बताएंगे 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से फॉरेनहाइट और केल्विन में भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसके लिए उस संबंध को जरूर याद रखें, C/5 = F-32/9 = K-273/5। तो इसमें अगर आपको डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट याद होंगी तो आसानी से चाहे एग्जामिनर आपसे फॉरेनहाइट में पूछ ले या केल्विन में पूछ ले, तो आप उसे जवाब दे पाएंगे। इसलिए उस संबंध को जरूर याद रखें, और यहां पर एक एक यूनिट को अगर याद कर लेते हैं तो बाकी यूनिट जो है आपको याद करने नहीं होंगी, उस संबंध से आप इसे निकाल लेंगे जो संबंध हमने तापमान के मध्य बताया था। इसी तरीके से अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान देखें, तो सामान्य तापमान जो मानव शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपसे एग्जामिनर कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। डिग्री फॉरेनहाइट में इसका जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें बेसिकली ये फॉरेनहाइट वाली डिग्री जो है लिख के आती है, और आपके शरीर का अगर तापमान 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक उसमें बताता है, तो डॉक्टर कहता है आपको बुखार है, यानी आपके शरीर का सामान्य ताप जो है वो अधिक है। तो डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। जल का उबलना अगर देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो बॉयल होने लगता है। इसी तरीके से फॉरेनहाइट और डिग्री केल्विन में अलग अलग ये यूनिटें आ जाएंगी, आप इसे जरूर याद रख लें। डिग्री सेल्सियस वाली यूनिटें याद कर लेंगे तो डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री केल्विन में अगर पूछा जाए तब भी आप आसानी से सही जवाब दे पाएंगे उस फार्मूले से जो हमने तापमान के संबंध में ये बताया था। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जामिनर जो है किसी भी यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम देखेंगे तापमापी यानी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब होता है ताप मापने वाले यंत्र। तो कई प्रकार के ताप मापने वाले यंत्र होते हैं, जैसे द्रव ताप मापी, क्लिनिकल ताप मापी यानी जो डॉक्टर के पास जो ताप मापने के लिए यंत्र होता है उसे कहते हैं क्लिनिकल ताप मापी। इसी तरीके से ताप युग्म ताप मापी, गैस ताप मापी, प्लैटिनम ताप मापी और पूर्ण विकरण ताप मापी। तो ये सब ताप मापने वाले यंत्र हैं। यहां से एग्जामिनर अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव ताप मापी यानी लिक्विड थर्मोमीटर, यानी उस ताप मापी में जो है उस यंत्र में कुछ लिक्विड भरे होते हैं और उन्हीं लिक्विड के आधार पर हम वस्तुओं के टेम्परेचर को मापते हैं। तो द्रव ताप मापी में मुख्यतः एल्कोहल एवं पारे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से एल्कोहल एवं पारे का यूज करते हैं। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप होते हैं। कारण इसका यही होता है कि जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इसलिए जो अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से नापना है तो फिर वहां हम पारे का यूज नहीं करेंगे, वहां पर यूज किसका करेंगे, हम एल्कोहल का यूज करेंगे, क्योंकि एल्कोहल जो है वह -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वहीं पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इस पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। -350 डिग्री सेल्सियस इसलिए रखा गया है क्योंकि 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है, और -40 डिग्री सेल्सियस इसलिए रखा गया है क्योंकि पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो अगर हम -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को नापेंगे तो उसके लिए जो लिक्विड भरा जाएगा वो एल्कोहल भरा जाएगा, एल्कोहल का यूज करेंगे। इस तथ्य को आप याद रखें, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे ताप युग्म तापमापी। तो इस तापमापी में -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जा सकता है, और ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसे आप याद रखें कि जो ताप युग्म तापमापी होता है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है, और ताप युग्म तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। अब सीबेक इफेक्ट क्या होता है, तो जब भिन्न भिन्न धातुओं के पारों के सिरे को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों यानी जो जंक्शन होता है उसको अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा एक बहने लगती है, इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं, और इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो आप इसे याद रखें, महत्वपूर्ण है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है, और इससे -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। सीबेक प्रभाव क्या होता है, इसकी भी हमने डिफिनेशन देखी, एक बार आपसे थॉमसन प्रभाव के बारे में पूछा जा चुका है, तो संभावना है सीबेक प्रभाव से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना दे।
अब हम देखेंगे पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। यहां से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी होता है या बेसिकली स्टीफन नियम पर आधारित होता है। स्टीफन नियम पर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि स्टीफन नियम के अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसका फार्मूला लिखते हैं तो ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। तो इसी स्टीफन नियम पर आधारित होता है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस पायरोमीटर शब्द को याद रखें, कभी कभी आपसे पायरोमीटर के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि पायरोमीटर यानी पूर्ण विकिरण जो उत्ताप मापी होता है इसमें प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही इस ताप मापी से मापे जाते हैं, यानी उच्च तापमान की जो विकिरण को हम मापते हैं वो बेसिकली इस पायरोमीटर से ही मापते हैं। इस ताप मापी यंत्र से 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को नहीं नापते। इसका कारण है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप की जो वस्तुएं होती हैं वह उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी या फिर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान को ही मापा जाता है, इसे आप याद रखें, और ये स्टीफन नियम पर आधारित है। अब हम देखेंगे डॉक्टरी ताप मापी यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर के बीच बदलता रहता है, इसलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु जो होता है वह 95 डिग्री फॉरेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु जो है वह 110 डिग्री फॉरेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है जिससे आपके शरीर का तापमान नापते हैं, उसमें जो उसकी लिमिट होती है न्यूनतम बिंदु जो होता है वह 95 डिग्री फॉरेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो मानव शरीर का ताप है वह अलग अलग परिसर में बदलता रहता है, और तभी जब आपका टेम्परेचर जो है वह 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक हो जाता है या 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो आपका शरीर जो है वह सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और तभी आपको डॉक्टर कहता है आपको फीवर है। तो थर्मामीटर जो होता है डॉक्टर का, उसका जो न्यूनतम बिंदु होता है मापने का वो होता है 95 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस, और जो उच्चतम बिंदु होता है वह 110 डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 43 डिग्री सेल्सियस। इसे आप याद रखें, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अन्य तापमापी यंत्र भी हमने ऊपर देखे थे, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, तो इसमें याद रखें कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापा जाता है, और गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक, अगर इसी तापमापी में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का जो है मापन कर सकते हैं। तो ये आप बस याद रखें कि प्लेटिनम प्रतिरोधी से कितना तापमान का मापन कर सकते हैं, और गैस तापमापी में अगर हाइड्रोजन है तो 500 डिग्री सेल्सियस तक, अगर नाइट्रोजन है तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। इसे आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे उष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सामान्यतः पदार्थ को उष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इसे हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो फैलने लगता है, फैलने का मतलब ये हो जाता है उन पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच की दूरियां क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो जब कोई पदार्थ फैलता है इसका मतलब उसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। किंतु यहां पर कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, इसे आप याद रखना, कि जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर जो है उनका आयतन क्या होता है, घटने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो आप इन्हें याद रखें, वो पदार्थ हैं जल और सिल्वर आयोडाइड। यहां से एग्जामिनर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी जल को अगर हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो जल होगा उसका तापमान बढ़ाएंगे तो जल की जो डेंसिटी है वो अधिक होती जाती है, क्योंकि उसका आयतन जो है वो घटता है, यानी जल जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वो सिकुड़ता है। उसी तरीके से जो सिल्वर आयोडाइड होता है वह 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो सिकुड़ता है, अगर इसके तापमान को हम बढ़ाएंगे। इसे आप याद रखें, क्योंकि ये दोनों उदाहरण जो है वह सामान्य जो परिभाषा होती है, जो सामान्य कॉन्सेप्ट है, उससे ये अलग हो जाता है। उसमें प्रसार का अगर हम घटता क्रम देखें तो ठोस में जो है सबसे ज्यादा उसमें प्रसार होता है, उससे कम जो है द्रव में, और सबसे कम गैस में उसमें प्रसार होता है। इसे क्रम को याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं कि जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, और सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर संकुचित होता है। तो जल का असामान्य जो प्रसार होता है हमने ऊपर देखा ही कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन जो है वो घटने लगता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही उसका आयतन बढ़ना स्टार्ट होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इस तथ्य को याद रखें। जल की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही जो है वह कम होना स्टार्ट होती है, और यही जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। जल के इस असामान्य प्रसार के कारण ही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो सामान्य जीवन में देखते हैं हम, कि ठंडे देशों के तालाबों या झीलों की जमने के बाद भी मछलियां जो है वह जीवित रहती हैं, क्योंकि जो ठंडे देशों के तालाब या ठंडियों में जो तालाब व झीलें होती हैं उनकी ऊपरी परत तो जम जाती है, लेकिन जो नीचे का जल होता है वो सामान्य टेम्परेचर में ही होता है, जिसके कारण मछलियां जो है वो तालाब के नीचे रहती हैं और वो जीवित रहती हैं। इसी का एक अच्छा उदाहरण है कि जाड़ों की रात में जो है पाइप जो है वो फट जाती है, ये भी कारण होता है जल के असामान्य प्रसार से ही।
क्योंकि जो पानी होता है वह जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय क्या होता है, फैलने लगता है। और यदि पानी मान लीजिए 9 लीटर हो तो वह जमने के बाद 10 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार यहां से स्पष्ट हो जाता है कि बर्फ बनने पर पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम से क्या होता है, पाइप में अतिरिक्त दबाव जो है पड़ने लगता है और पाइप फट जाता है। आपके एग्जाम में विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी पूछा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का आप मात्रक याद रखें, मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, इस मात्रक को याद रखें। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर उतनी ही चीजों को डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनर जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है और बार बार क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो एसआई यूनिट विशिष्ट ऊष्मा की होती है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, और जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे उष्मा का संचरण, यहां से भी एग्जामिनर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है। उष्मा का जो संचरण होता है बेसिकली 3 पार्टों में इसको पढ़ते हैं डिवाइड करके। उष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है, उष्मा का संचरण संवहन के माध्यम से होता है, और उष्मा का संचरण रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से होता है। फिर चालन को हम चालकता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, चालक, कुचालक और उष्मारोधी। तो यहां से एग्जामिनर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले देखेंगे उष्मा के संचरण में चालन क्या होता है। चालन का इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। तो स्थान परिवर्तन किए बिना उष्मा का संचरण जो है वह चालन कहलाता है। लोहे को गर्म करना इसका एक अच्छा उदाहरण है, यानी आप लोहे की एक रॉड लीजिए और लोहे की रॉड का एक हिस्सा अगर आप गर्म करेंगे तो दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म हो जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोई स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब भी लोहे का एक हिस्सा गर्म करने से दूसरा हिस्सा जो है अपने आप गर्म हो जा रहा है। तो स्थान परिवर्तन किए बिना उष्मा का जो संचरण होता है वो चालन कहलाता है, और लोहे का गर्म करना इसका एक अच्छा उदाहरण है, इसे आप याद रख सकते हैं। ठोस पदार्थों एवं पारे में उष्मा का जो संचरण होता है केवल चालन द्वारा होता है, इस बात को आप याद रखें, क्योंकि आप जानते हैं जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके अणु जो हैं वो गतिमान नहीं होते हैं, इसलिए इनमें उष्मा का जो संचरण हो सकता है वो केवल चालन के माध्यम से ही हो सकता है। तो ठोस पदार्थ और पारा इनमें उष्मा का जो ट्रांसफर होता है, संचरण होता है, केवल चालन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। द्रव व गैसों में उष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत कम होता है। तो इस तथ्य को आप याद रखें, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पदार्थों में चालन द्वारा उष्मा का संचरण उष्मा चालकता कहलाती है, यानी जो पदार्थों में चालन द्वारा उष्मा का जो ट्रांसफर होता है यह उष्मा चालकता कहलाती है, और पदार्थों की प्रकृति पर यह निर्भर करती है, यानी पदार्थ की प्रकृति क्या है। जिन पदार्थों में उष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी उष्मा चालकता उतनी ही अधिक होगी, और उष्मा चालकता के आधार पर ही हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, यानी ठोस माध्यम जो है या ठोस पदार्थ है उसमें उष्मा का ट्रांसफर कितना हो सकता है ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें उष्मा का जो ट्रांसफर होगा वो ना के बराबर होता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें उष्मा का संचरण बहुत तेजी से होता है। तो अब हम उनको एक एक करके देखेंगे, इस चालकता के आधार पर उष्मा का जो संचरण होता है उसको हम पढ़ेंगे। यहां से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो उस चालकता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी बैड कंडक्टर, और उष्मारोधी का मतलब होता है थर्मल इंसुलेटर। तो चालक का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थों में उष्मा का चालन सरलता से हो जाता है, यानी ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं जिसमें उष्मा का जो ट्रांसफर होता है, संचरण होता है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे सभी धातुएं, और धातुएं में भी देखते हैं जो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी को माना जाता है। इसी तरीके से तांबा हो गया, ये भी उष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी तांबे का अगर आप एक हिस्सा गर्म करेंगे तो बहुत तेजी से तांबे की वो पूरी धातु जो है वह बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, क्योंकि उष्मा का जो संचरण होता है चालक पदार्थों में आसानी से हो जाता है। इसमें सभी धातुएं देखते हैं, धातुओं में सभी धातुएं चाहे चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, ये सभी धातुएं आ जाएंगी। अम्लीय जल यानी अम्लीय जल में भी उष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, छारों में भी हो जाता है, और मानव शरीर आदि। तो ऐसे पदार्थ में के ये हमने उदाहरण देखे जहां पर उष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं यानी कंडक्टर। वहीं बैड कंडक्टर, तो इसका नाम ही है जैसे, बैड कंडक्टर यानी कुचालक, यानी ये चालक के बिल्कुल विपरीत होंगे। जिन पदार्थों में उष्मा का जो चालन है वो सरलता से नहीं होता है या बहुत कम होता है उन्हें हम कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, वायु, गैस, सिल्का, रबर, ऊन, कपड़ा आदि, ये सब कुचालक है। यानी लकड़ी का अगर आप एक हिस्सा गर्म करेंगे तो लकड़ी का दूसरा हिस्सा जो है वो गर्म नहीं होगा, होगा तो वो बहुत ना के बराबर गर्म होगा, क्योंकि वो ये सब बैड कंडक्टर है। यानी अगर एक वस्तु है उसका एक हिस्सा गर्म करेंगे तो दूसरा हिस्सा गर्म नहीं हो पा रहा है, पूरी वस्तु गर्म नहीं हो रही है, तो वो सभी जो पदार्थ होंगे वो कुचालक बैड कंडक्टर कहलाएंगे, और जिनमें उष्मा का संचलन आसानी से हो जाता है वो सभी कंडक्टर यानी चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो हमने चालक अचालक पदार्थों के उदाहरण देखे, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है उदाहरण देखे कि इनमें से कौन सा चालक है, कौन सा कुचालक का उदाहरण है। उष्मारोधी, तो इसके नाम से ही पता चला है, उष्मारोधी यानी उष्मा का अवरोध करने वाला, उष्मा का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर इन पदार्थों में नहीं हो पाता है। तो ऐसे पदार्थों में उष्मा का चालन जो है वह बिल्कुल नहीं होता। उष्मारोधी पदार्थों के उदाहरण है एबोनाइट एवं एस्बेस्टस आदि। एबोनाइट आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जो कुकर का हैंडल होता है ब्लैक कलर का, ये बेसिकली एबोनाइट पदार्थ का ही बना होता है। एबोनाइट पदार्थ उष्मारोधी पदार्थ है, क्योंकि यहां पर उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब कुकर वगैरह में लगाया जाता है ताकि जो है आप आसानी से उस हैंडल को पकड़कर उस गर्म
वस्तु को आसानी से इधर उधर रख सकते हैं। तो उष्मारोधी के उदाहरण हमने देखे, एबोनाइट, एस्बेस्टस आदि। ये आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा भी जा चुका है कि जो कुकर का हैंडल होता है उसमें कौन सा पदार्थ लगा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एबोनाइट। कारण यही है कि ये उष्मारोधी होता है, यहाँ पर उष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है। अब हम देखेंगे अर्धचालक यानी नॉन कंडक्टर। अर्धचालक क्या होते हैं, तो इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अर्धचालक यानी ये ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं ना तो पूरी तरीके से कुचालक होते हैं, यानी चालक और अचालक के जो बीच की अवस्था होती है पदार्थों की, वो सभी पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों, जैसे हमने चालक देखे थे अच्छे चालकों में तांबा चांदी आदि हमने पढ़ा था, तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम होगी किंतु अचालक या कुचालकों से अधिक होती है, वो सभी अर्धचालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड आदि। और अर्धचालकों का जो यूज होता है बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होते हैं उनमें जो है इनका काफी व्यापक रूप से इनका यूज किया जाता है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किस तरीके के पदार्थ हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन, जर्मेनियम या कैडियम सल्फाइड, कार्बन और गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है किंतु कुचालकों से अधिक होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति कार्य करता है, इसे आप याद रखेंगे। चालकता की बात करें तो हमने देखा चालकता जो है सबसे ज्यादा चालक पदार्थों में होती, यानी उष्मा का संचरण जो है सबसे ज्यादा चालक पदार्थों में, फिर अर्धचालक आ जाएगा, फिर कुचालक आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम प्रतिरोधकता देखें तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, फिर अर्धचालकों की, फिर कुचालकों की। तो आप इसका भी क्रम याद रखें, आपसे एग्जामिनर इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन पदार्थों की चालकता सबसे अधिक होती है और किन पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो आपका जवाब तभी सही होगा जब आपको यह क्रम याद होगा। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो चांदी माना जाता है, सिल्वर, यानी जिसे हम रासायनिक भाषा में लिखते हैं एजी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सिल्वर यानी चांदी, जिसका रासायनिक नाम होता है एजी। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है एवं विद्युत चालकता उसकी घट जाती है, इसे आप याद रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा चालक पदार्थों का तो जो उनका विद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ने लगता है और उनकी विद्युत चालकता जो है वह घट जाती है। वहीं अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता जो है वह ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, वहीं ताप घटने पर घट जाती है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम दैनिक जीवन में कुछ चालन से संबंधित उपयोग देखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस भी आपसे पूछा जाता है। तो धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है किंतु चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। कारण यही होता है कि चालन जो है वह धातु के प्याले में आसानी से हो जाता है लेकिन चीनी मिट्टी में जो है उष्मा का जो संचरण होता है वह आसानी से नहीं होता है। इसलिए चीनी मिट्टी के जो प्याले में हम चाय आसानी से पी लेते हैं लेकिन अगर धातु के प्याले में मान लो तांबा या स्टील का प्याला होता है उसमें अगर आपको चाय दी जाती है तो आप आसानी से नहीं पी पाते हैं क्योंकि वो जो चाय डालते हैं वो पूरे आपके बर्तन को गर्म कर देता है और जैसे उसे आप होंठ से लगाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, आप आसानी से चाय नहीं पी पाएंगे। एस्किमो लोगों का बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहना भी बेसिकली चालन से संबंधित ही इसका एक उदाहरण है क्योंकि बर्फ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की जो परत होती है जो उष्मा की कुचालक होती है जिसके अंदर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती है, फलस्वरूप जो कमरे का टेम्परेचर होता है बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। तो आप इसे याद रखें, दोहरी दीवार इसीलिए रखी जाती है कि बीच में एक एयर भर जाती है, जो एयर वायु होती है वह उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, इसलिए बाहर का जो टेम्परेचर होता है वह अंदर नहीं जा पाता है। तो बाहर अधिक ठंडा होने के बावजूद भी जो उसके अंदर का टेम्परेचर होता है, कमरे का जो अंदर टेम्परेचर होता है वो सामान्य बना रहता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे संवहन प्रक्रिया। संवहन प्रक्रिया से उष्मा का संचरण कैसे होता है, तो बेसिकली इसमें आप याद रखें कि जो उष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है वह केवल गैसों एवं द्रवों में ही होता है, ठोसों में संवहन द्वारा उष्मा का संचरण नहीं होता, इस बात को पहले आप याद रखिए। संवहन द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है वह ऊर्ध्वाधर तापांतर के कारण होता है, अर्थात यहाँ जो होते हैं गर्म कण, आप जानते हैं वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट गैसें होती हैं, तो जो गर्म गैसें होती हैं वह हल्के होकर जो है वह ऊपर उठ जाती हैं तथा इनका स्थान लेने के लिए ऊपर से ठंडी गैसें या ठंडे कण नीचे आते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण जो वायुमंडल होता है वह गर्म हो जाता है। यानी जो नीचे जो आप जानते हैं टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ की जो गैसेज होती है वह हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है वो कम होता है, तो वहां की जो गैसेज होती है वो इन गर्म गैसों का स्थान लेने के लिए ऊपर से नीचे आती है। तो ये प्रक्रिया जो वह संवहन प्रक्रिया कहलाती है, यानी संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही इन गैसों के माध्यम से उष्मा का संचरण होता है। दैनिक जीवन में हम संवहन से संबंधित कई ऐसे सामान्य उदाहरण देखते हैं जिनके माध्यम से आप इस संवहन प्रक्रिया को और भी आसानी से समझ सकते हैं। आप देखते हैं समुद्री हवाएं एवं स्थलीय हवाओं का बहना, ये बेसिकली होता है संवहन प्रक्रिया के द्वारा ही, क्योंकि दिन के समय आप जानते हैं सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं और उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से
ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती हैं और इन्हीं हवाओं को कहते हैं हम समुद्री हवाएं। अगर इसका हम उल्टा देखें तो रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और उनका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे कहते हैं स्थली हवाएं। तो समुद्री हवाएं और स्थली हवाओं का चलना बेसिकली इस संवहन प्रक्रिया के कारण ही होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज की जो पेटिका होती है वह ऊपर रखी जाती है, इसका भी कारण यही होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं नीचे की, यानी आपने कोई सामान रखी गर्म टेम्परेचर की, जो उसकी उष्मा निकलेगी तो क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो ऊपर ही बनाई जाती है फ्रीजर पेटिका, ताकि जब हवाएं ऊपर जाएं तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो ठंडी हवाएं नीचे फिर से उसका स्थान लेने के लिए आ जाती हैं गर्म हवाओं का। इससे क्या होता है, हमारे पूरे फ्रिज में रखी जो वस्तुएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना भी इसी संवहन प्रक्रिया का ही उदाहरण है। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जो एक प्रकार की निष्क्रिय गैसें होती हैं, जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं। उदाहरण भी देकर आपसे पूछा लिया जाता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर क्यों रखा जाता है, तो इसका क्या कारण है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो कारण होता है बेसिकली संवहन प्रक्रिया का कारण इससे जुड़ा होता है। संवहन प्रक्रिया के कारण ही ये सारे उदाहरण हम देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे विकिरण क्या होता है। तो इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के सहायता से, यानी बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचरित हो जाता है। तो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा संवहन और चालन, तो उसमें देखा कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर उष्मा का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक वस्तु से दूसरे माध्यम में जाता है तो, लेकिन विकिरण क्या होता है, विकिरण में उष्मा का जो संचरण होता है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम को गर्म किए ही प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में ये उष्मा का संचरण होकर जो है वह दूसरे माध्यम को गर्म कर सकता है। विकिरण में उष्मा जो होती है वह तरंगों के रूप में चलती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। इसके द्वारा उष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। निर्वात में क्यों होता है, क्योंकि यहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उष्मा के संचरण के लिए। पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा विकिरण जो है इसी माध्यम से पहुंचती है। विकिरण माध्यम के द्वारा ही पृथ्वी तक सूर्य की जो उष्मा पहुंचती है। तो हमने तीन माध्यम देखे उष्मा संचरण के। एक देखा हमने चालन, जहां पर ठोस और पारे में मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया होती है उष्मा संचरण की। फिर उसमें हम अलग अलग चालकता के आधार पर देखा, चालक कुचालक और उष्मारोधी अर्धचालक को पढ़ा। फिर हमने देखा संवहन, संवहन क्या होता है, इसमें गैसों एवं द्रवों में ही उष्मा का संचरण होता है, ठोसों में संवहन के द्वारा उष्मा का संचरण संभव नहीं है। बेसिकली जो संवहन होता है वह गैसों में अधिक होता है ऊर्ध्वाधर तापांतर के रूप में। यहां पर क्या होती है, जो गर्म गैसें होती हैं वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी जो हवाएं होती है, ठंडी जो गैसें होती हैं वो पुनः इनके स्थान पर आ जाती हैं। ये सभी संवहन के द्वारा होता है। इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट उदाहरणों के माध्यम से देखा। फिर हमने विकिरण को देखा उष्मा संचरण के माध्यम के रूप में, कि यहां पर उष्मा का जो संचरण होता है वह बिना माध्यम के भी हो सकता है, निर्वात में भी विकिरण के माध्यम से उष्मा का संचरण हो सकता है। और यहां पर जो उष्मा का संचरण होता है, जो विकिरणें होती हैं वह तरंगों के रूप में चलती हैं, जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है पृथ्वी तक जो है सूर्य की उष्मा विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। विकिरण के माध्यम से उष्मा का जो संचरण होता है उसके कई अन्य भी उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं, जैसे रेगिस्तानों का दिन में बहुत अधिक गर्म होना एवं रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाना, क्योंकि जो रेत होती है वह उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। और हम जानते हैं कि उष्मा का अच्छा अवशोषक ही उष्मा का जो है वह अच्छा उत्सर्जक होता है। ये बेसिकली हम किरचॉफ का जब नियम हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था, तो वहां हमने देखा था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी कोई वस्तु उष्मा का जितनी तेजी से अवशोषण करता है वह उतनी ही तेजी से उस उष्मा को उत्सर्जित भी कर देता है। जो रेत होता है वह उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए रेत जो है जब सूर्य की किरणें होती हैं तो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें रेत से हट जाती हैं तो वह रेत जो है वह बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाती है। और यही कारण होता है कि रेगिस्तान का दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत वहां पर ठंडी हो जाती हैं। दूसरा उदाहरण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा क्या होती हैं, गर्म होती हैं। इसी तरीके से पॉलिश किए हुए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि जो पॉलिश होती है चिकने जितने पदार्थ होते हैं, चमकदार जितने पदार्थ होते हैं, वो उष्मा के उतने ही ज्यादा जो है वह उत्सर्जक होते हैं, यानी उष्मा जूतों में पड़ेगी और वह तुरंत उस उष्मा को उस विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे पॉलिश किए हुए जूते भी जो है शीघ्रता से नहीं गर्म होते हैं। चाय की केतली की बाहरी सतह जो है वह चमकदार बनाई जाती है। तो हमने विकिरण के उदाहरण देखे, रेगिस्तान का गर्म होना, ठंडा होना, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है, पॉलिश किए हुए जूते जल्दी गर्म नहीं होते हैं, चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है, सभी जो है विकिरण के ही उदाहरण हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए।
जीरो डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोरा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक जीरो डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इसे आप याद रखें। और इसीलिए जो बर्फ आइसक्रीम वगैरह बनाई जाती है उसमें सोरा या नमक मिला दिया जाता है ताकि उसका गलनांक जो है वह कम हो जाए और जो आपकी बर्फ है, जो आइसक्रीम है, वह अधिक देर तक जमी रहे। क्योंकि अगर कोई अशुद्धि मिला देते हैं बर्फ में तो जो बर्फ का गलनांक होता है, उसका जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है, वह जीरो डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है, घटकर तो -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक यानी जो उसका बॉइलिंग प्वाइंट होता है वह बढ़ जाता है। और इसी के कई सारे उदाहरण हैं कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है। कारण क्या होता है? दाब बढ़ने से जो बॉइलिंग प्वाइंट होता है वो बढ़ जाता है, यानी प्रेशर कुकर में जो है वह दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी जो है वह अगर सामान्य टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है तो दाब बढ़ने से क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पर कितना हो जाता है, 125 या 120 डिग्री सेल्सियस से जो है वह पानी उबलने लगता है। तो जब पानी तेजी से उबलेगा तो ऑब्वियसली खाना वो जल्दी पक जाएगा, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है वह शीघ्रता पूर्वक बन जाता है। कारण यही होता है, दाब बढ़ने से जो पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। अगर हम अशुद्धियां मिला देते हैं, नमक एवं सोरा आदि मिला देते हैं तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए नमक डाल देते हैं तो खाना क्या होता है वह और भी जल्दी पक जाता है, क्योंकि अशुद्धियां जो होती है, नमक सोरा आदि जो होती है, वह द्रव के क्वथनांक को बढ़ा देती है, उसके बॉइलिंग प्वाइंट को बढ़ा देती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका मान अधिक होता है। हालांकि दोनों का टेम्परेचर जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी अगर आप उबलता जल लेंगे और भाप लेंगे, दोनों का टेम्परेचर जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, तब भी अगर आप भाप से जलेंगे तो आपको अधिक कष्ट होगा। कारण क्या होता है? भाप में जो है वह गुप्त ऊष्मा जल की अपेक्षा अधिक होती है। गैसों के अणुओं में परस्पर आकर्षण एवं विकर्षण नहीं होता है, अतः गैसों के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो हमने जाना कि गैस के जो अणु होते हैं वो परस्पर आकर्षण और उनमें विकर्षण नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है? गैसें जो हैं हमेशा गतिमान होती है, यानी गैसों में गतिज ऊर्जा होती है, गैसों में आप स्थितिज ऊर्जा नहीं देखेंगे। तो गैसों के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। अब हमने गुप्त ऊष्मा के बारे में ऊपर अभी बात की थी कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए भाप से जलते हैं तो अधिक कष्ट होता है उबलते जल की अपेक्षा। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप बताएंगे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगर आपसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इन तथ्यों को आप याद रखें, एक दो बार आपसे पूछा जा चुका है और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है, तो अगर आगे आपसे पूछा जाता है तो आप इनके सही जवाब देंगे। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वह है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट के तापमान पैमाना एक ही होंगे। हमने ऊपर एक संबंध देखा था फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में, कि C/5 बराबर F-32/9। तो इस फार्मूले में अगर आप डिग्री सेल्सियस का मान -40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और फारेनहाइट का मान -40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो दोनों के जो तापमान के जो पैमाने होंगे वो समान होंगे। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के तापमान एक ही होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए -40 डिग्री तापमान पर दोनों के तापमान के पैमाने समान होंगे। ताप स्थाई का मतलब होता है थर्मोस्टेट, इसे इंग्लिश में कहते हैं। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है, यानी निकाय का टेम्परेचर नियंत्रित करते हैं हम ताप स्थाई थर्मोस्टेट के द्वारा। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जाता है, इससे ऊर्जा जो है इसकी बचत होती है। तो कोई निकाय है उसका अगर हम टेम्परेचर नियंत्रित रखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट यानी ताप स्थाई का। और किसी निकाय का अगर तापक्रम हम वांछित स्तर पर रखेंगे, यानी हमको जितनी टेम्परेचर की अवस्था है अगर हम उतना ही टेम्परेचर रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी होती है उसकी बचत होगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है कि 40 डिग्री फॉरेनहाइट से 140 डिग्री फॉरेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं उत्पन्न होने का खतरा अधिक रहता है। यानी अगर इतना टेम्परेचर होगा 40 डिग्री फॉरेनहाइट से 140 डिग्री फॉरेनहाइट के मध्य का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके उत्पन्न होने की खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है हम डेंजर जोन भी कहते हैं। अतः जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो हमारा फ्रिज होता है, उसमें खाद्य सामग्री रखने का तापमान ये जो 40 डिग्री फॉरेनहाइट है इससे हम कम रखते हैं। तो कितना तापमान, एक आदर्श तापमान रखते हैं तो 36 डिग्री फॉरेनहाइट से 38 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में जो है रेफ्रिजरेटर का तापमान रखते हैं। इसी कारण रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुएं जो है जल्दी से खराब नहीं होती, क्योंकि इस तापमान पे जो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं आसानी से।
अगर हम 36 डिग्री फॉरेनहाइट और 38 डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो ये लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि रेफ्रिजरेटर में कितना तापमान रखा जाए कि जो है उसमें हमारा जो खाद्य सामग्री है वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया और जीवाणु उत्पन्न न हो, तो आपका जवाब होना चाहिए 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में, 36 डिग्री फॉरेनहाइट से 38 डिग्री फॉरेनहाइट तक। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए नमी जो है अवशोषित हो जाती है, तो ये भी एक कारण है कि हमारे फ्रिज में रखा हुआ जो खाना वगैरह होता है वो देर से खराब होता है, क्योंकि आर्द्रता जो होती है वहां पर नहीं होती है, क्योंकि जो कम टेम्परेचर होता है जो है वो खाद्य पदार्थों की नमी को अवशोषित कर लेता है, श्वसन क्रिया जो होती है वो खाद्य पदार्थों की धीमी हो जाती है, जिसके कारण खाना जो है वह देर तक सुरक्षित रहता है। तो ये कई सारे कारण है रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थों खाद्य सामग्री को अधिक देर तक सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि बड़े जो शीतगृह होते हैं संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। यानी जो घरों में हम फ्रिज वगैरह यूज करते हैं उनमें बेसिकली सीएफसी का यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, लेकिन जो बड़े संयंत्र प्रशीतक होते हैं यानी जो भंडार गृह वगैरह होते हैं जहां पर फल सब्जियों अनाजों को सुरक्षित रखते हैं, उनमें जो यूज करते हैं हम इस प्रशीतक संयंत्र में जो गैस यूज करते हैं वह अमोनिया का यूज करते हैं। कारण क्या है? अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब तथा परिवेश ताप की आवश्यकता होती है, इसके कारण जो बड़े संयंत्र शीतगृह होते हैं वहां पर अमोनिया का यूज करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बड़े शीतगृह या बड़े जो भंडार गृह होते हैं वहां पर जो चीजों को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का यूज करते हैं उन प्रशीतक यंत्रों में, तो आपका जवाब होना चाहिए अमोनिया का। लेकिन जो घरेलू जो हमारे प्रशीतक होते हैं यानी जो फ्रिज वगैरह होती है उनमें यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एयर कंडीशनर और एयर कूलर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों जो है वह तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता को तो नियंत्रित कर लेते हैं लेकिन एयर कूलर वहीं पर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर में एक अतिरिक्त सुविधा होती है कि ताप और वायु की गति के साथ साथ आर्द्रता को भी नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन एयर कूलर केवल तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त की जाती है जिससे कमरे या अन्य स्थान जो है वो ठंडे किए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि एयर कंडीशनर में तो किस तरीके की गैस का यूज होता है, तो जो संपीड़ित गैस होती है कंप्रेस्ड गैस होती है उन्हीं का यूज करते हैं जिससे कमरे या फिर कोई भी स्थान हो वो ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रुद्धोष्ण प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रुद्धोष्ण प्रक्रम क्या होता है? जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय ना तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा दे पाए और ना ही वहां से ऊष्मा ग्रहण कर पाए, तो ऐसे प्रक्रम को हम रुद्धोष्ण प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो वह गर्म हो जाती है। यानी रुद्धोष्ण प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है, कोई निकाय है वहां ना तो बाहर से बाहर के वातावरण से ना तो ऊष्मा जा पा रही है ना तो ऊष्मा जो है बाहर से अंदर से बाहर आ पा रही है, तो ऐसा जहां पर प्रक्रम होता है वहां पर रुद्धोष्ण प्रक्रम होता है। उदाहरण अच्छा है कि चाय का जो थर्मस है, चाय भर दीजिए आप किसी थर्मस में और देख पा रहे हैं कि थर्मस के अंदर ना तो बाहर से कोई ऊष्मा आ रही है ना तो अंदर से कोई ऊष्मा बाहर आ रही है। अब हम चाय को खूब तेजी से हिलाएंगे तो चाय अपने आप क्या होगी? गर्म हो जाएगी। इस तरीके से हमने हीट एवं टेम्परेचर के टॉपिक को बहुत ही आसानी से उदाहरणों के माध्यम से देखा, जहां से एग्जामिनर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम की डिमांड और बदलते एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही सारे वीडियो क्लासेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना बिल्कुल नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि जो भी क्लासेज हो रही है इन क्लासेज से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसे और आप जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाएं, यही एक उद्देश्य है इन वीडियो क्लासेस का। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, जब तक आप पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें, कोई क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चलते चलते अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लासेज आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें।